भगतजी थोड़ा पीछे ना आ जाओ एक बारी। तो इन्हें चालू करके पीछे ना करे। हाँ बताओ। द्रौपदी के पास। हाँ जब द्रौपदी के चीन हो रहा था। हाँ हाँ। तो उस टाइम हुआ देखे अपन भीष्म पितामह की तरह। हाँ भाई कुछ मदद मिल जाए यहाँ। हाँ फिर वहां भी नहीं मिली। हाँ फिर वो देखे दूसरे का नहीं। हाँ पहले तो अपने पति का नहीं देखे, ये बलवान है। हाँ जी, ये खड़े हो जाएंगे। हाँ हथियार ठारेंगे रीन के बस के भी कौन है। हाँ दुर्योधन के तो बस के ना। हाँ जी। और वह भीष्म पितामह मारे बोलो कौन है, क्योंकि हाँ जानते हैं न्याय ने अन्याय ने। लेकिन जब दुर्योधन ने उसने युधिष्ठिर ने तड़े नाड़ कर ली भीम गर्मा था, लेकिन भीम को रोक दिया। इतना ही कह दिया था कि जब दुर्योधन ने यह बात कही कि तेरे को नंगी करके अपनी जांग पर बैठाऊंगा, कितना अन्याय था भाई रोला साहब। बिल्कुल कसर तो नहीं छोड़ रहा था। कसर नहीं थी ना। लेकिन फिर भी केवल दुर्योधन के नाम था भीम ने उसको कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा करी उस वक्त कि ईब तो मैं युधिष्ठिर ने रोक दिया। हाँ। ना तो तेरी ईब गर्दन तोड़ देता। हाँ जी। लेकिन अगाड़ी में चल करके जब कोई बात आओगी तो तेरी जांग न तोड़ूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। अगर तेरी जांग नहीं टूटी ना तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। हाँ। ऐसी प्रतिज्ञा करी। प्रतिज्ञा करने के और एक बार अर्जुन ने अपना शील तोड़ा था थोड़ा, युधिष्ठिर ने एक बार भी शील नहीं तोड़ा। जब कर्ण ने यह बात कही द्रौपदी ने बोली रे मैं पतिव्रता स्त्री हूँ भाई, मेरी बेइज्जती क्यों करो तुम, थारी समझ में नहीं आई, थारे कुल की तो बहू हूँ मैं। जब कर्ण बोलया हंस पड़ा कर्ण, और कर्ण बोलया भैया पतिव्रता देख लो पतिव्रता बने रे, पाँच पाँच तरह की वेशा नहीं तो और क्या होती है भाई, पाँच खसम जिसके हों वो वेशा नहीं तो और क्या होती है। तो अर्जुन ने एक बात कही कि करण तू पतिव्रता स्त्री का तोहमत लगाता है, तू अपनी मृत्यु पर अपनी रक्षा नहीं कर पाओगा, जब तेरी मृत्यु आओगी ना तो तू अपनी रक्षा नहीं कर पाओगा। रक्षा नहीं कर पाया। और भगवान राम ने जब करण जो से ना अपने अर्थ का पहिया लेकाड़ा था, क्योंकि उसका पहिया उसको देखो उन आदमियों को और परमात्मा की क्या विलक्षणता थी। परमात्मा की कितनी विलक्षणता थी, कितनी यानी बेहतरीन जो थी ना उन जीवों को बांधते लिया, नहीं तो कर्ण के कोई मामूली था ना। परशुराम का तो शिष्य है असली चीज तो करना था भगत जी मैंने फिर और फिर महारथी था जी। लेकिन क्या था कि सारे ये छल करता रहा कर्ण ने तैयारी में भाई कसूती इतने कर्ण ने छल करे ना। सुनो महाभारत पढ़ोगे जब बेरा पटेगा नहीं, महाभारत आप पढ़ो ना क्योंकि समय ना आपके पास। ये तो ऐसे घर तो फालतू हम साधो समय समय हमारे दौरे, चाहे आप बुला रहे हो चाहे और कोई बुला रहे हो, चाहे जब भीष्म यो कर्ण जो है ना द्रोणाचार्य के पास गया जी। कि महाराज मेरे को धनुर्विद्या सिखा दो, तो द्रोणाचार्य ने पूछा भाई तू कौन है, कहाँ से आया है, क्या नाम है तेरा, किसका बच्चा है तू। कि जी मैं कहते हैं लोग मेरे को सूत पुत्र और मैं राजे का पुत्र हूँ। सिद्धार्थ का नाम ना लिया, राधे का नाम लिया अपनी माँ का कि मैं राधे हूँ, उसका नाम था राधे जो कर्ण जिसने पाला था। कि भाई ठीक बात है तेरी बात तो सुथरी है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। द्रोणाचार्य बोलिया मैं मजबूर हूँ भाई, मैं ये मेरे को सारा खर्चा देते हैं और मैंने जम्मा ले लिया पर्ण कर लिया कि केवल राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाऊंगा, किसी और दूसरे को नहीं सिखाऊंगा। तो और भाई तू राजकुमार है नहीं, इसलिए भाई और कितने सीख ले, और बतेरे सिखाने वाले। तो कर्ण ने मजबूर होकर जाना पड़ा।
वहाँ से तर करके जिद में परशुराम जी के पास पहुँच गया और परशुराम जी की भी प्रतिज्ञा थी क्योंकि अक्षत्रियों से खुंद खा रहा था। जितने दुष्ट अक्षत्रिय थे ना परशुराम ने 31 बार खत्म करे, नहीं तो दशरथ अरबी उससे बखत थे। अच्छा 21 बार निम्मी अरबी और ये जो सेना ये जनक अरबी उस समय में थे, इनका परशुराम ने बाढ़ भी मां करा करे बल्कि मित्रता रखी। ये राम और क्यों कर बचे, राम भी क्षत्रिय था, उनको मारे एक और आप में ब, ब, आप मेरी सुनते सो ना, आपके दिमाग में जो बैठी उसने आगे रखो ना। मत परशुराम के जमाने में दशरथ भी था, परशुराम के जमाने में जनक अरबी थे और भी अक्षत्रिय बहुत थे, जो दुष्ट राजा थे ना वो भारी जो दुष्ट राजा थे उनका नाश किया, धर्मात्मा राजाओं का अक्षत्रियों को किसी को कुछ नहीं कहा। अच्छा जो दूसरों का अत्याचार करे थे, दूसरों ने दुख दे थे, दूसरों ने लूटे थे, चोर ने मारोगे दंड दोगे पकड़ोगे सरकार पकड़ेगी अगर नाम देगी आप बताओ सरकार था वो है? वो सरकार था उस टाइम, तो सरकार था उस टाइम जो साम्रत होते हैं ना। रावण ज्यादा बच गया, ब्राह्मण था ना तो रावण ने भी को दे रहे। कौन ब्राह्मण था ज्यादा बच गया, रावण को भगवान ने कह दिया था तू जा ही मैं देखूंगा ही, मैं मारे मैं उन्हें नहीं मारे, फिर राम ने नहीं मारे ने जब सोमवर में धनुष तोड़या आपका प्रण पूरा हो लिया। भगवान राम बोले परशुराम चार कला का अवतार था भगवान का और यही आदेश था कि इन आताताइयों को जो सेना समाप्त कर दे, नहीं तो ये पूरी पृथ्वी के शरीफ आदमियों ने निगल जाएंगे खा जाएंगे, एक ने भी नहीं छोड़ेंगे, सारा ही नकाराज हो जाएगा और सारी पृथ्वी पर ये रहेंगे, फिर गरीब तो कोई रहे ना, दान करने वाला को रहे ना, किसी की सेवा करने वाला को रहे ना, क्यों छोड़ने ही को रहे। तो इसलिए जो है ना चार कला लेकर के परशुराम ने अवतार लिया और कारण बढ़ा करके सहसरा बाबू अर्जुन ने जो है ना उसकी गऊ ने उसके बाप से तो गऊ खोज के ले गया काम देनो दे, उसने कितनी बढ़िया करी थी, यानी जमदग्नि ने सहसरा बाबू अर्जुन के साथ कितना बढ़िया व्यवहार करा था, उसका आव भाव कराया और फिर उसको यूं कह दिया मैं तेरा अतिथिय सत्कार करूँगा, यानी तेरी फौज समेत तेरे सिपाहियों समेत तेरे को मनवांछित भोजन दूंगा और भाई आप मेरा जो सुना ये अतिथि सत्कार स्वीकार करो। तो सहसरा बाबू अर्जुन ने कह दिया ठीक है करो। तो कामधेनु गऊ के द्वारा जमदग्नि ने उनकी मन इच्छा भोजन दिया सबको अलग अलग, कढ़ाई चढ़ाई ना हलवाई बुलाए ना, क्योंकि कामधेनु में यही खासियत है कि काम ना करो जो इच्छा हो वो फल दो। कल्प वृक्ष और ये तीन गऊ हैं सुर भी कामधेनु और नंदिनी, पंडित जी ने गा के बता रखा है भागवत पुराण का पुराणों का देख भी है और पंडित जी ने बड़े बढ़िया तरीके से गाया। कामधेनु सागर तो निकली नहीं वेद पुराण कहे से जब सागर मथन किया एक रतन में कामधेनु गऊ लिखड़ी सी, कामधेनु सागर तो निकली नहीं वेद पुराण कहे से और गऊ नंदिनी वशिष्ठ का दौर है जो सब ते मान कहे से और सुर भी गऊ देवताओं का दौर है जिसको अमृत की खान कहे से और गऊ के दूध ते ऋषि मुनियों का सिद्धि ध्यान कहे से, क्योंकि सात्विक भोजन है गऊ का दूध और गऊ का घी अमृत है, तीन अमृत है हमारे पांच अमृत हैं यहाँ धर्म कार्यों में हवन आदि यज्ञ आदि में, तीन गऊ के हैं दूध दही और घी और दो शहद मधु छोटी मक्खी का और गंगा का जल, ये पांच अमृत हैं उनमें तीन गऊ के हैं, गऊ के दूध ऋषि मुनियों का सिद्धि ध्यान कहें से और तीन लोक भोजन में छक लें, इसी खीर बनाया करते भाई गऊ के दूध ने अमृत करके देखे पिया खाया करते। कृष्ण जी अवतार धारक गऊ ये पंडित जी का है,
लेकिन क्या है आपने एक और बीच में बता दूँ, डॉक्टर साहब ये आ जाएगी और रोला साहब जान लेंगे और इन्हें तो बोलना भी है बतानी भी है। हमारे यहाँ तीन माताएं प्रसिद्ध हैं, जानते होगे ना आप कौन सी कौन सी? मेरा नाम, मेरा एक और फिर जानो कि हाँ क्यों मरो जानो जान जाएगा। तीन माताएं प्रसिद्ध हैं, वो तो अनेक माताएं हैं पर लेख में प्रसिद्ध जो सब कायद करती हैं वो तीन माता है। सबसे पहले धरती माता, और धरती माता में एक छोटी सी कमी है कि उत्पन्न तो जीव मात्र को करती है, इंसान का बीज भी धरती में है। कभी कोई नहीं जानता वीर्य से पैदा होता है ना, ये तो भरम से। सब बीज पृथ्वी में है। नरेला में मैंने एक बाब को बताया भी होगा, नरेला में एक कवि सम्मेलन होया था,